हेलो एंड अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट। मैं हूं मोहम्मद अशरफ खान। एज यू नो, आज की हमारी वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। हमारी वीडियो के टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं इटली की वीज़ा अपॉइंटमेंट के बारे में, और एम्बेसी ने जो न्यू अपडेट दी है उसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को कम्प्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर्स, अपडेट ये है कि 29 फरवरी 2024 में एम्बेसी की तरफ से एक नोटिस जारी की गया, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि अब से जो उनकी वीज़ा अपॉइंटमेंट है वो एक थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग कंपनी है जिसका नाम BLS इंटरनेशनल है। ये कंपनी एम्बेसी और कॉन्सुलेट की पार्टनर मेंबर है, और अब ये नेक्स्ट जो वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स होगी वो आपने इनके थ्रू करवानी, चाहे वो अपॉइंटमेंट आपने लीगलाइजेशन के लिए लेना हो, वर्क के लिए लेना हो या स्टडी के लिए लेना हो। इसके अलावा जो टेलीफोन पे आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती थी वो उसको क्लोज कर दिया गया है। 1 मार्च से वो क्लोज हो चुकी हैं, और 4 मार्च से 2024 में ये जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का वो ऑनलाइन कर दिया गया। व्यूअर्स, प्रीवियसली एम्बेसी ने अपडेट किया था अक्टूबर के अंदर, जब उन्होंने अपनी ईमेल के सिस्टम को चेंज करके कॉल पर शिफ्ट कर दिया था, तभी हमने आपको अपडेट की थी। अब इनका जो सिस्टम है वो प्रॉपर ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू होगा। इसमें एक अच्छी बात ये है कि आपको पहले हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन थी, इस्लामाबाद एम्बेसी की, या उसके अलावा कराची के लिए जो कराची कॉन्सुलेट है उसकी ऑप्शन थी। बट अब क्योंकि BLS सिस्टम पे ये चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर आपको 6 सेंटर्स मिलते हैं जो कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, क्वेटा, मुल्तान और फैसलाबाद में। तो इससे होपफुली बहुत ज़्यादा एक आसानी होगी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुश्किल था पहले अपॉइंटमेंट बुक करना। अब ये प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाएगा इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर, और ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ाज ग्रांट किए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट दी जाएंगी। इन सेंटर्स की वजह से अब स्टूडेंट को डिवाइड करना भी ईजी हो चुका है, और ऑब्वियसली जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपने BLS के पोर्टल पे जाना है, वहाँ जाके अपने अकाउंट क्रिएट करना है और अपॉइंटमेंट के लिए आपने बुक करनी है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आपको उसको फाइंड करने में आसानी हो सके। मोरओवर हमारा ये भी क्वेश्चन होता है, जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी जिनकी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी थी उनके लिए अब क्या नेक्स्ट प्रोसेस है। तो व्यूअर्स, आपको बताना चलूँ जो एम्बेसी की ऑफिशियल अपडेट है उसके मुताबिक आपकी जो ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है वी अपॉइंटमेंट की, वो अपने रिस्पेक्टिव BLS सेंटर्स में जाकर अप्रूव करनी है, और इस तरह वो इजीली आपको अकोमोडेट कर सकेंगे। प्रोसेसिंग टाइम को देखिए तो BLS के ऑफिशियल पोर्टल पे ये है कि अगर आपने अप्लाई करना है वीज़ा तो आपने एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स बिफोर डिपार्चर अप्लाई करना है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी अपडेट इटालियन वीज़ा अपॉइंटमेंट के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी, आई होप आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा इटली में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर जरूर कॉन्टैक्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको गाइड करेंगे, क्योंकि इटली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है। 7,500 यूरोज की ईयरली स्टाइपेंड भी दिया जाता है। इसके अलावा मार्क्स की रिक्वायरमेंट भी काफी ज्यादा मिनिमम है, और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज एट द मोमेंट ओपन है। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें, शुक्रिया।